हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा लाइव वीडियो जो मैंने कल बनाया था शाम को, वो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आज सुबह वो वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, उसे देख लीजिए। उसमें मैंने कई सारे सवाल जो एक आम विद्यार्थी के मन में उठते हैं, उन सब सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी। जैसे कि सतत अध्ययन का क्या महत्व है, नोट्स जो हम टेक्स्ट बुक कोई पढ़ते हैं उससे नोट्स कैसे बनाएं और कब बनाएं, पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम क्या होना चाहिए, ये सब सारे जो आम सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं, उन सब सारे सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी उस वीडियो को देख करके बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित हुए होंगे। जिनको पढ़ने की ललक है, उत्कंठा है, चाह है, वो जरूर समझे होंगे कि सतत अध्ययन जो हम करते हैं उसका क्या महत्व होता है। नोट्स, अच्छी नोट्स तैयार करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बना करके रखनी चाहिए, पढ़ाई का समय क्या होना चाहिए, हिंदी की तैयारी कितने महीनों तक करें कि एक अप्रॉक्सीमेट हमारे सिलेबस भर में अच्छी जानकारी हमें सिलेबस की हो जाएगी आराम से। अगर हम बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, चाहे वो TGT है, PGT है, नेट है, JRF है, या वैकल्पिक विषय के रूप में PCS या IAS में हिंदी सब्जेक्ट को लिए हैं, तो हमें ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ये जो हमारे विषय होते हैं इनकी तैयारी के लिए मेरा मानना है कि 4 से 5 महीना या 6 महीना बहुत अधिक कहें तो बहुत अधिक हो जाता है। 6 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सतत या कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग अच्छी है, आप अच्छी नोट्स बना करके स्टडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये सब सारे सवाल जो मैंने लाइव वीडियो बना करके डाले हैं उसमें बताए हैं, आप उसको जरूर देखिए। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस पेपर सेट में मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल लाए हैं जो समास पर है। मैंने अपनी कल की लाइव वीडियो में ये बात बताई भी थी कि जो भी टॉपिक मैं कवर कराऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आऊंगा। तो मैं समास का टॉपिक पहले ही खत्म कर चुका हूं। एक ही वीडियो में आपको हर एक समास, उसके प्रकार, उसके उदाहरण, समास विग्रह करना, समास पहचानना, सारी बातों को बताया गया है। मैंने कुछ ही दिनों पहले वो समास की वीडियो डाली है, आप उसको देख लीजिए। आप सर्च करेंगे मेरे वीडियोस में जाकर के तो आपको मिल जाएगी। तो उसी से संबंधित आज का ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है? तो आप जानते हैं कि वह समास होता है द्विगु समास, उसका पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है, यानी किसी संख्या को बताता है। ठीक है, अब बी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? देखिए, अजात शत्रु हम कहते हैं उस व्यक्ति को कि जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई दुश्मन ना हो। तो यानी अब यहां पर अगर हम गौर करें तो यहां तत्पुरुष समास नहीं हो सकता। ठीक है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर, ठीक है, बीच में विभक्तियां पाई जाती हैं और समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। यहां तत्पुरुष समास होने का सवाल नहीं। द्वंद्व समास तब होता है जब ज्यादातर विपरीतार्थक शब्द समस्त पद में देखने को मिलते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। कर्मधारय समास तब होता है जब एक पद या तो विशेषण रहे, दूसरा पद विशेष्य रहे, या उपमेय और उपमान का संबंध हो दोनों पदों में, तब वहां पर कर्मधारय समास पाया जाता है। तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास ये नहीं होगा। यहां क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा बहुव्रीहि समास? उसका कारण यह है कि अजात शत्रु जो है एक ऐसा शब्द है जिसका विग्रह करेंगे तो ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ना हो, उस व्यक्ति विशेष के लिए हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु का प्रयोग करते हैं। तो अजात शत्रु किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहां दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यह बहुव्रीहि समास में आएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में
में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब हमें ढूंढना है कि तत्पुरुष समास का ऐसा कौन सा विकल्प है जो उदाहरण नहीं है। राजकुमार में आप विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार हो जाएगा, यह तत्पुरुष समास है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी या यज्ञ की वेदी नहीं होगा। आजन्म यानी जन्म से नहीं होगा, ये तो ये देखिए ये भी तत्पुरुष समास है, ये भी तत्पुरुष समास है, और आजन्म जो है ये अव्ययी भाव समास है क्योंकि पूर्व पद अव्यय है। ग्रामवासी, गौर करिएगा, ग्रामवासी क्या हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये जो था वो अव्ययी भाव समास था, सी वाला। और पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है क्योंकि इसका पूर्व पद जो अव्यय है और जिसके मिलने से समस्त पद यानी जन्म भी आ से मिल जाने के कारण, आ उपसर्ग से मिल जाने के कारण, ठीक है, पूर्व पद अव्यय। अव्यय से कहने का मतलब क्या होता है, अविकारी शब्द, ठीक है। और जो उपसर्ग लगते हैं वो भी एक तरह से अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ठीक है। तो या तो उपसर्ग होगा पूर्व पद या तो अव्यय होगा, या उपसर्ग लगा है, ये अव्ययी भाव समास है। आगे आ जाइए, चौथा प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है, गौर करिए गुरुदेव शब्द में कौन सा समास होगा। क्या ये अव्ययी भाव समास होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पूर्व पद अव्यय नहीं है और न तो समस्त पद ही अव्यय है। तत्पुरुष समास कब होगा, जब दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनमें किसी भी कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया गया हो, तत्पुरुष समास नहीं होगा। बहुव्रीहि समास, गुरुदेव किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही हमेशा प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव कोई एक विशेष व्यक्ति ही हो हमेशा। आगे देख लीजिए, कर्मधारय समास यहां इसलिए पाया जा सकता है क्योंकि ये जो देव शब्द है, ठीक है, वह गुरु के लिए एक विशेषण का काम कर रहा है। गुरु कैसे हैं, देवता के समान है, ठीक है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि देवता के समान गुरु, यानी एक उपमेय हो जाएगा और एक उपमान हो जाएगा, ठीक है। उपमान क्या हो जाएगा, देव, देवता से तुलना की जाएगी, किसकी, गुरु की। तो गुरुदेव शब्द बहुव्रीहि यानी विशेष पद की तरफ इशारा ना करके बल्कि कर्मधारय के लक्षण को ज्यादा प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहां कर्मधारय समास होगा। पंचवटी शब्द में समास होगा, पंचवटी गौर करिए, वट का मतलब होता है वट वृक्ष, वट वृक्ष जो होते हैं, ठीक है, उनको वट कहा गया है, यानी वट के पेड़। अब यहां लिखा गया पंचवटी, पंच शब्द जो है वो संख्यावाची है, संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, यानी पांच वट वृक्षों का समूह या पांच वटों का समूह पंचवटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। आगे आ जाइए छठवां, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन एक ऐसा समास है जिसका पूर्व पद जो है, ये जो प्रति लगा है, ये अव्यय का काम भी कर रहा है हम कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दिन में प्रति लगा है, पूर्व पद अव्यय है, इसके मिल जाने से समस्त पद जो प्रतिदिन है वो भी अव्यय बन गया है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यहां द्विगु समास नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची नहीं है, यहां विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध नहीं है, कर्मधारय नहीं होगा, यहां दूसरा पद प्रधान हो और बीच में किसी कारक की विभक्तियां पाई जाएं या समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाए, ये बात भी नहीं है, तत्पुरुष नहीं है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, उसे हम कर्मधारय कहते हैं, मित्रों बी विकल्प सही होगा। आठवां देख लीजिए, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, यानी ऐसा समास जिसका कोई भी पद
न तो पूर्व पद और न तो उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो आप जानते हैं कि ऐसा समास जिसका न तो पूर्व पद न तो उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि दोनों मिलकर के किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीही समास होगा या द्वंद्व समास होगा? द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, नहीं हो सकता। कर्मधारय में विशेषण विशेषोप में उपमान होता है, वो नहीं हो सकता। अव्यय भाव में अव्यय का भाव होता है और पूरा पद समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो होगा क्या? बहुव्रीही समास भी विकल्प सही है। आगे आ जाइए, धनुर्बाण। धनुर्बाण में दो शब्द मिले हुए हैं, धनुष और बाण। विग्रह भी इसी तरह से होगा, धनुष और बाण। तो यहां दो दो शब्द हैं, दो पद हैं, पूर्व पद है धनुष और दूसरा पद है बाण, और दोनों अपने आप में महत्व रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। यहां दोनों पदों की प्रधानता है और बीच में विग्रह करने पर और जो योजक शब्द है उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। तो यहां पर द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि यानी दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं वो बात नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि यहां दूसरे पद की प्रधानता वाली बात नहीं है। आगे देख लेते हैं दसवां प्रश्न, शोकाकुल में समास है, शोकाकुल में कौन सा समास होगा? शोक से जो आकुल है यानी आकुल का मतलब बेचैन, यहां दो पद हैं, शोक मतलब दुख, आकुल मतलब बेचैन। शोक से आकुल करण तत्पुरुष समास होता है जहां से यानी के द्वारा के अर्थ में या जिससे किसी कार्य जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता हो वहां जब से का अर्थ लिया जाता है तो करण कारक होता है। तो करण कारक की से विभक्ति लगी है तो ये तत्पुरुष समास, क्योंकि यहां शोक की बात नहीं की जा रही है, जो व्यक्ति शोक से आकुल है बेचैन है बात उसकी की जा रही है, यानी दूसरा पद प्रधान है, शोक की प्रधानता नहीं बताई जा रही है बल्कि आकुलता या बेचैनी की जो या परेशानी की जो बात है वो बताई जा रही है। आकुल शब्द जो इसमें लगा हुआ है उसकी प्रधानता बताई जा रही है। तो जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है और विग्रह करने पर तत्पुरुष समास में भी कई कारकों की विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। आप जानते हैं कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक, और इसमें एक चीज और जोड़ जाती है नियत तत्पुरुष भी। तो जहां नकारात्मकता का बोध होता है पूर्व पद से उसे नियत तत्पुरुष भी कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में कारकों के आधार पर कई प्रकार बनाए गए हैं। यहां पर से या के द्वारा वाला सेंस आएगा, कहने का मतलब शोक के द्वारा आकुल तो होगा नहीं, शोक से आकुल लिखेंगे तो विग्रह सही होगा और यहां तत्पुरुष समास होगा, ए विकल्प सही है। ग्यारहवां प्रश्न देख लेते हैं, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी गौर करिए क्या है, पहले गौर करिए पर्णकुटी, यहां क्या बात पर्ण की जा रही है या उस कुटिया की जा रही है यानी उस झोपड़ी की जा रही है जो पर्ण यानी पत्तों से बनी है, पर्ण कुटी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दूसरा पद जो है उसकी प्रधानता या उसकी महानता दर्शाई जा रही है, और जहां पर दूसरा पद पर्ण से बनी कुटी, ठीक है, तो से या के द्वारा वाला सेंस आ रहा है, यहां पर भी तत्पुरुष समास होगा, यहां द्वंद्व समास नहीं हो सकता, पर्ण और कुटी नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। यहां कर्मधारय समास नहीं होगा, एक विशेषण और विशेष्य वाला भाव इसमें नहीं है। यहां बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा क्योंकि यह किसी तीसरे पद की तरफ इशारा नहीं कर रहा, तो तत्पुरुष समास होगा। बारहवां प्रश्न देख लेते हैं, यथोचित शब्द में समास होगा, यथोचित, ठीक है, यानी जैसा उचित हो, यथोचित। यहां देखिए पूर्व पद जो है वो अव्यय का सेंस दे रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न देख लेते हैं, नीलोत्पल, ठीक है, नीलोत्पल किसको कहते हैं, नीले कमल को कहते हैं, ठीक है, नीला कमल, उत्पल से सेंस है कमल का। नीलोत्पल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, नीला नीलोत्पल। हानि लाभ में कौन सा समास है, द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि या कोई नहीं? अब गौर करिए, कोई नहीं वाली बात तो तब देखेंगे जब ये तीन विकल्प जो समास वाले हैं
इसमें से कोई नहीं मिले तभी हम कोई नहीं पर टिक मार्क करें। क्या यहां द्विगु समास होगा? क्या यहां कोई संख्यावाची पद है पूर्व पद? नहीं तो द्विगु समास तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास जहां दूसरे पद की प्रधानता हो और बीच में विग्रह करने पर कोई कारक की विभक्ति नजर आए, हानि लाभ का विग्रह करने पर हानि और लाभ होता है, तो यहां तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। बहुव्रीही समास, क्या यहां पर इसका विग्रह करने पर या हम कह सकते हैं कि ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, तो यहां पर तो बहुव्रीही समास भी नहीं होगा। यहां पर है क्या? इसका विग्रह करने पर आप जानते हैं कि दोनों पद पहली बात की प्रधान हैं, दोनों पद अपने में अपना महत्व रख रहे हैं, एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं है और ना तो किसी एक की महत्ता बताई जा रही है। इसका विग्रह करेंगे तो होता है हानि और लाभ, बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह हमेशा एक पर्टिकुलर समास जिसको हम कहते हैं कि द्वंद्व समास का ही लक्षण है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि 70% ऐसी उम्मीद होती है कि ऐसी स्थितियों में द्वंद्व समास ही होता है और यहाँ पर विग्रह करने पर बीच में और आ रहा है। योजक चिन्ह को हटा करके, योजक चिन्ह हटाने के बाद वहां और का प्रयोग किया जा रहा है तो हो जाएगा हानि और लाभ, और ये होता है द्वंद्व समास का उदाहरण। तो यहाँ कोई नहीं पे टिक मार्क करेंगे। 15वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ विस्तार तो होता ही नहीं, समास विस्तार नहीं करता, समास विग्रह नहीं कर रहा है। यहां पर समास का अर्थ जो है वो विग्रह नहीं है, विच्छेद नहीं है। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप करना, यानी कई पदों को मिला करके एक नवीन पद की रचना करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो है समास। तो समास क्या है? शाब्दिक अर्थ। अगर हम देखें, यहां बात की जा रही है शाब्दिक अर्थ की, परिभाषा वाला अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, तो यहां शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप या संक्षेपीकरण। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे जाते जाते अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देख लें। चलिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।